हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन समिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है और वो फॉर्म पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया है तो पूरी तरीके से दोबारा ऑनलाइन कैसे करना है वो आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं दाखिल खारिज का पूरा फॉर्म भर के बताते हैं कि कैसे आप दोबारा ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, गूगल ब्राउजर को ओपन करिएगा, मेन स्क्रीन पर आ जाएगा, गूगल पर टाइप कीजिएगा onlinesubmit.com। इस पर क्लिक करने के बाद जो पहला वाला वेबसाइट है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। अब देखिए, हम चले जाएंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है onlinesubmit.com का, उस वेबसाइट पर चले जाएंगे। मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि onlinesubmit.com ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर टाइप करेंगे दाखिल। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ दाखिल, दाखिल लिखकर दोस्तों यहाँ पर क्या किया, इंटर कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं दाखिल खारिज, बिहार में दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, इस पर हमको क्लिक कर देनी है। एड्स आ रहा है, इस पर हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, ये पूरी तरीके से यहाँ पर खुल कर आ चुका है। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले नीचे आ जानी है, यहाँ पर पोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक्स, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन है, क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दाखिल खारिज की स्थिति पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका जिला का नाम रहेगा जिला का नाम डालेंगे, यहाँ पर जो भी आपका अंचल रहेगा उस अंचल को सिलेक्ट करेंगे, वित्तीय वर्ष डालेंगे, उसमें जो आपका केस नंबर था जो रिजेक्टेड हुआ है उस केस नंबर को डाल देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा केस नंबर इतना है इनके नाम पर है, ये एप्लीकेशन हुआ था 8 अप्रैल 2022 को, स्टेटस रिजेक्टेड केसेज, यानी कि ये फॉर्म है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप अपना जो म्यूटेशन करवाए हैं, जो दाखिल खारिज करवाए हैं, वो रिजेक्ट हुआ है, तो उसको कैसे फिर से आवेदन करना है, तो इसको कटिंग कर देने हैं। जो पहले वाले वेबसाइट पर हम आए हैं, इस दाखिल खारिज करने के लिए क्या क्या दस्तावेज होनी चाहिए, यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन दोबारा करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। जो भी आपका आईडी पासवर्ड है, यहाँ पर आईडी पासवर्ड एक बार लॉगिन कर लेंगे। चलिए, मैं एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने मैं लाइव यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अब मैं कैप्चे डाल रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को बस एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो वेबसाइट है पूरी तरीके से हमारा लॉगिन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका है, यहाँ पर नाम वगैरह सभी चीज दिखा दिया। अपने जो भी जिला में आवेदन करना है, जहाँ पर आपका जमीन है वह अंचल डाले, अंचल कौन है यानी कि प्रखंड कौन है डाल दिया। नए दाखिल खरीज के लिए आवेदन करें, इस पर क्लिक कर देनी है। अब देखिए, आपको यहाँ पर अप्लीकेंट डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, सेलर डिटेल, प्लॉट डिटेल, सारा चीज डालना है। अप्लीकेंट डिटेल्स में जो भी आपने फॉर्म भरा था, यानी कि जिनके नाम पर जमीन करना था, जिनके नाम पर, एक होता है नाम मुकिर और एक होता है नाम मुकिर अलग है, नाम मुकिर का नाम जो जमीन खरीदे हैं और नाम मुकिर जो जमीन बेचे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरी तरीके से डाल लेंगे। तो मैं जो भी जमीन जिनके नाम पर करना है, म्यूटेशन जिनके नाम पर करना है, तो फिर से यहाँ पर पूरी तरीके से आवेदन करने हैं। यहाँ पर सेल परचेज होगा तो सेल परचेज जो भी होगा आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में यहीं पर प्रॉब्लम होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार पूरी तरीके से इसको फिल कर लेते हैं, मैं आपको तब जाके डॉक्यूमेंट डिटेल्स बताता हूँ। चलिए, मैं एक बार पूरी तरीके से फॉर्म को फिल कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने नाम वगैरह सारा चीज डाल दिया। एड्रेस को दोस्तों अच्छे से फिलअप कीजिएगा, मैं बताने के लिए इतना ही फिलअप किया हूँ, आपको ध्यान रखनी है। सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। एनवायरमेंट डाटा बोर्ड है, यानी कि पूरी तरीके से हमारा जो फॉर्म है पूरी तरीके से सभी चीज को फिलअप करना होगा, जैसे कि एड्रेस वगैरह सारा चीज यहाँ पर पूरी तरीके से फिलअप करेंगे। जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है ना दोस्तों, यहाँ पर डीड नंबर मांगा जाएगा, जो पहला वाला डीड नंबर जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, जो फॉर्म आपको पूरी तरीके से यहाँ पर जो दाखिल है यहाँ पर स्टेटस में दिखा रहा था यहाँ पर रिजेक्टेड, उसको क्या करना है, पूरी तरीके से कैसे भर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। उसके पहले शून्य लगा दीजिए, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर आपने रिजेक्ट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा डीड नंबर, जैसे कि यहाँ पर दिखा देता हूँ DWD, डीड नंबर आपका कितना है, डीड नंबर मान लीजिए 2023 है। चलिए मान लेते हैं कि 2023 आपका डेट नंबर है और इस पे आवेदन कर दिया है। अगर आपने जाते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स में तो यहाँ पर डेट नंबर 2023 डालेंगे तो लिखेगा ऑलरेडी वैक्टेड, यानी कि पहले से ही आपका आवेदन दाखिल खारिज का लिए हो गया है। तो आपको क्या करना है, 0203 इस तरीके से आप डालकर फर्स्ट में 0 लगाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई त्रुटि नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स,
डॉक्यूमेंट डिटेल्स यानी कि डीड नंबर वगैरह, बायर जो जिनके नाम पर जमीन करना है, जो जमीन खरीदे हुए उनका डिटेल्स, सारा चीज, मोबाइल नंबर, जाति डालना है, सेलर डिटेल्स, सेलर यानी कि कौन जमीन बेचे हैं, किन के नाम पर है, कैसा है जमीन, प्लॉट डिटेल, प्लॉट की पूरी जानकारी, किस प्रखंड में जमीन है, कौन सा खाता है, कौन सा प्लॉट है, डॉक्यूमेंट अपलोड, जो भी आपका डीड है पूरी तरीके से यहाँ पर अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देने हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।